गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है 22 मई 2023, टाइम है 9:06 इवनिंग की। तो आज दिन भर में जो डॉलर रुपी का प्राइस एक्शन हुआ है वो है एक नैरो रेंज में, 82.87 ऑन द हायर साइड एंड 82.73 ऑन द लोअर साइड। तो प्राइस यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आर लिटिल बिट कॉशियस, नाइदर द बायर्स आर प्लेइंग बिग बेट नॉर द सेलर्स आर प्लेइंग बिग बेट। दैट बीइंग द केस, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन आप अगर डेली चार्ट देखोगे, ये है स्पॉट का चार्ट, यहाँ पे प्राइस एक ट्रायंगल फॉर्म किया है एंड ट्रायंगल का अपर पार्ट पे रेजिस्टेंस जोन पे। जब तक इस रेजिस्टेंस को क्लियरली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ नहीं चला जाता है, बायर्स विल नॉट बी हैप्पी टू रन द लॉन्ग पोजिशंस। ऑल्सो जब तक यहाँ पे कॉन्फर्म सेलिंग इंडिकेशंस नहीं आता है, सेलर्स आर ऑल्सो नॉट हैप्पी टू गो शॉर्ट एंड कीप इट शॉर्ट ओवरनाइट। तो अभी क्या करना है उसके लिए, ये जो रीजन है, ये जो मींस जोन है, इस जोन में आप प्राइस इटसेल्फ इज टेलिंग आई एम कंफ्यूज्ड। बायर्स आर नॉट रेडी टू बेट ऑन बाइंग पोजिशंस, सेलर्स आर ऑल्सो नॉट रेडी टू bet on the selling positions. Both the parties are waiting for price conversions. That being the case, इसको हम कैसे trade में ले सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे आपका line chart. ये currency future, May future का है. उसका line chart आप देखोगे 8 मई के बाद non-stop higher high higher low formations बन रहा है. जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस को निगेट नहीं करता है, तब तक सेलर्स अगर पोजीशन सेलिंग पोजीशंस बनाएगा भी तो मार खाएगा। दैट बीइंग द केस, हमें इस टाइप का एक प्राइस एक्शंस चाहिए जहां पे ये जो रिसेंट स्विंग लो है उसको नीचे की तरफ तोड़ेगा, देयर बाय मेकिंग लोअर लो, उसके बाद एक हाई बनाएगा जो हाई होगा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, देयर बाय मेकिंग लोअर हाई लोअर। उसके बाद जैसे ही इस स्विंग को नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करेगा, सेलर्स विल स्टार्ट रनिंग देयर सेलिंग पोजीशंस। जब तक इस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं आता है, पॉसिबिलिटीज नहीं आता है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलिंग पोजीशंस में शॉर्ट बनाने से आपको इंतजार करना, थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एक बार कॉन्फर्मेशन आ जाएगा फिर आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हो। उसका प्रीवियसली देखो, ये आपका कहाँ पे था, 19 मार्च 15, मार्च 15 के बाद आप देखोगे प्राइस नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा था। That being the case, यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशंस आ रहा था। जब कब आया आपका ये क्लियर इंडिकेशंस? जब इस लो को ब्रेक करके नीचे चला आया, उसके बाद आपका एक क्लियर इंडिकेशंस आया कि अभी मार्केट थोड़ा सेलिंग का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। एंड यहाँ पे पीपल जिन्होंने सेलिंग पोजीशंस बनाया, दे माइट हैव मेड गुड। उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे कौन सा जोन, आई विल टेल यू। ये जो जोन है आपका, इस जोन पे आप क्या देख रहे हो, प्राइस एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाया एंड कॉन्फर्मेशंस कहाँ पे आया इसके बाद, एंड उसके बाद आपका एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा गया। उससे पहले आप देखोगे इस जोन पे सिमिलरली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस एंड प्राइस इसको नीचे से तोड़ा, दे आर बाय मेकिंग लो एंड लोअर लो। यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे लोअर हाई,
देखो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लोज दिया, इसके नीचे चला आया, प्राइस इज इन डाउनवर्ड मूवमेंट, नो ग्रेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बेसिक प्राइस एक्शन दैट इज लोअर हाई लोअर इन्फ्लेशन। दैट बीइंग द केस, इस लेवल पे क्या हम करेंटली ब्लाइंडली शॉर्ट कर देंगे क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चला आया? कहाँ तक आ चुका आपका फ्रॉम ये करेंसी फ्यूचर का 8175, यानी स्पॉट लेवल पे वो 8160-65 लेवल से ये स्पॉट लेवल पे 8280 तक आ चुका है, 8085। यानी देयर इज ए मूवमेंट ऑफ 1 रुपी 20 पैसा फ्रॉम द बॉटम। तो क्या हम ब्लाइंडली शॉर्ट बना सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ दोज हु आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए शॉर्ट पोजिशन और बिल्डिंग ए शॉर्ट पोजिशन। उनके लिए थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है, प्राइस अभी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही है, जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनाएगा समथिंग लाइक दिस, तब तक शॉर्ट के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहता। यहाँ पे आप देखो हायर हाई हायर लो पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सीढ़ी की तरह बन रहा है, एक सम सॉर्ट ऑफ लेडर्स। क्या लेडर्स है, आप देखो ये आपका हाई बना, उस हाई के ऊपर अगर हम एक ये और कुछ आ चुका है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, हमें चाहिए जस्ट सेगमेंट एक, ये एक स्विंग यहाँ पे आपका एक स्विंग हाई था, तोड़ने के बाद ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे कौन सा लेवल पे, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया। तो स्विंग हाई बनाने के बाद फिर नीचे सपोर्ट लेके फिर इस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो एवरी स्टेप एवरी लेवल देयर इज ए सीढ़ी के जैसा बेस लाइन सपोर्ट बना के ऊपर जा। अभी जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक शॉर्ट हमें पोजीशंस नहीं बनाना, एक बार इस स्टेप का आ जाएगा देन एंड ओनली देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट। हमें इंतजार थोड़ा करना है बिकॉज एरिया वाइज आप कर देखोगे एक रेजिस्टेंस एरिया में, रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज ए रेजिस्टेंस इफ इट इज रेस्पेक्ट। अभी क्या यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है वो हमें पता नहीं है क्योंकि अभी एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया है। डोजी टाइप ऑफ कैंडल क्या बोलता है कि मैं जस्ट पॉज ले रहा हूँ, इतना मूव करने के बाद 1 रुपया 20 पैसा मूव करने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। दैट बीइंग द केस अभी मेरे को थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉज के बाद मेरे को लगेगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे को लगेगा तो मैं नीचे आऊंगा। अगर नीचे आना है तो हमें प्राइस स्टेप का इंतजार करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी विल बिल्ड लॉन्ग पोजीशंस, एल्स बाय डिप्स हम कर करना कर, मीन्स बाय डिप्स करोगे तो एक आपका क्या बोलते हैं उसको, मीन्स विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही रहे। एक बार इस स्टेप का आ गया फिर बाई डिप्स नहीं करना है, रेदर सेल ऑप्टिक्स करना है। ये जो मूवमेंट हो रहा है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है, उस टाइम पे आरएसआई 14 क्या बोल रहा है, आई एम अबव 60 दैट मींस आई एम बुलिश। इसको आपका अबव 60 से 40-60 रेंज शिफ्ट या बिलो 40 जाना पड़ेगा, आई एम नो मोर बुलिश एंड आई एम बियरिश बनाने के बता। जब इस टाइप का एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे क्या हमें रेंज शिफ्ट मिलता है,
वो हमें देखना पड़ेगा। इन सच ए केस क्या हो सकता है, आरएसआई जो होगा एक आपका नीचे आके 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए रेंज शिफ्ट। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक तो है आपका प्राइस एक्शन, लोअर हाई लोअर लो, देन स्विंग लो को तोड़ना है, देयर बाय एनी अपटेक मे बी सोल्ड एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न और द लाइन चार्ट इज कंसर्न। दूसरा वाला है आपका आरएसआई में एक रेंज शिफ्ट होना चाहिए ऑन ए आवरली बेसिस, देन एंड ओनली देन किसी को अगर शॉर्ट करना है तो इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक ये फॉर्मेशंस नहीं आता है, बाय डिप्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। सो आज का जो करेंसी डेली एनालिसिस ड्यूरिंग द डे क्या मूवमेंट हुआ उसी का एनालिसिस में अगर हम थोड़ा सा कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो क्या हुआ आपका ये 22 मई यहाँ से प्राइस चालू हुआ, ओपन आपका हुआ है 82.78 ऑन करेंसी फ्यूचर। दिस इज करेंसी फ्यूचर में एक्सपायरी, ट्रेडेड लो ऑफ 73.75, हाई ऑफ 82.25। उसके बाद जो प्राइस है ये नॉनस्टॉप हायर हाई ही बनाने का, हायर हाई हायर लो बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे एक चीज जो हमें देखना है वहां पे क्या एक इनिशियल इंडिकेशन, दैट डजंट मीन कि आप ब्लाइंडली शॉर्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे एक आरएसआई टर्म्स में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाया, व्हेयरएज आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई, दैट मींस सम सॉर्ट ऑफ रेंज शिफ्ट। ये जो रेंज शिफ्ट है अभी भी कॉन्फर्म, ये इस रेंज शिफ्ट को देख के हमें ब्लाइंडली सेल नहीं करना है, रेदर वी कैन वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू ब्रेक, ट्रेंड लाइन सपोर्ट टू ब्रेक, उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए प्रोबेबल स्टेप्स लेने का प्रयास कर सकते। तो जब तक ये इंडिकेशंस नहीं आता है प्ले फ्रॉम बाय डिप्स, एक बार अगर आपका हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस आ जाता है एंड आवरली पे आरएसआई रेंज शिफ्ट दिखा देता है, देन सेल ऑप्टिक्स में करेंसी मींस करेंसी या डॉलर रुपए को हम ट्रेड कर सकते। आज ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंसी डॉलर रुपी का जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस, अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।